सो लेट्स फेस इट, मान लीजिए आपने एक नया लैपटॉप परचेस किया है और इस लैपटॉप में आप लगाना चाहते हो अपने किसी पुराने मॉनिटर को एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले, और कनेक्ट करने के टाइम पे आपने देखा कि आपके लैपटॉप में है HDMI पोर्ट डिस्प्लेस को कनेक्ट करने के लिए और आपके मॉनिटर में है VGA पोर्ट, तो आप क्या करोगे? क्या इस मॉनिटर को वापस से यूज़ करना पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग आधा अधूरा वीडियो को देख के छोड़ देते हो और उसके बाद मुझे कंप्लेन करते हो कि मेरा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो शायद ही कोई आपको बताएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पुराने VGA मॉनिटर को आपके नए लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए एक HDMI टू VGA कन्वर्टर। मार्केट में आपको दो तरह के कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, विथ ऑडियो और विदाउट ऑडियो। विथ ऑडियो में HDMI सिग्नल से ऑडियो को स्प्लिट करके एक 3.5mm जैक में दे दिया जाता है और आपको इसमें अपने कोई साउंड सिस्टम को प्लग इन करना होता है, और अगर आपका मॉनिटर जो आपका पुराना VGA मॉनिटर है अगर वही साउंड को सपोर्ट करता है तो उसका साउंड इनपुट को भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। Anyway, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए इस कन्वर्टर को परचेस किया है, इसमें कोई भी साउंड की ऑप्शन नहीं है। इस कन्वर्टर की VGA साइड में आपको अपने मॉनिटर को थ्रू VGA केबल कनेक्ट करना है और HDMI साइड को आपको कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप में, अपने लैपटॉप की HDMI पोर्ट में ऑब्वियसली। इसके बाद आपको अपने मॉनिटर में पावर कॉर्ड को कनेक्ट करना है, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या, हार्डवेयर साइड की सेटअप कंप्लीट हो चुकी है, अब चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर साइड में। कुछ केसेस में हो सकती है कि आपको सॉफ्टवेयर साइड में किसी भी तरीके का कोई सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े, पर मेरे केस में यहाँ पे ज़रूरत है। आप देख सकते हो जो मॉनिटर है वो बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं आया है जो मैंने बाद में कनेक्ट किया है। लैपटॉप का मॉनिटर तो ऑब्वियसली ऑन रहेगा, पर जो मॉनिटर मैंने VGA मॉनिटर कनेक्ट किया है वो बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मुझे अभी सॉफ्टवेयर साइड पे इसको सेटअप करनी है, वो मैं कैसे करूँगा आइए देखते हैं। तो प्रैक्टिकल पार्ट में आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ये मॉनिटर है ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है, दो रीज़न होती हैं। पहला रीज़न है रेजोल्यूशन और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मॉनिटर में सिग्नल ही नहीं जा रहा है। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो पुराने मॉनिटर्स होते थे वो 1080p के नहीं होते थे, वो इससे कम रेजोल्यूशन वाले होते थे, 720p या फिर 1600x900 ऐसे रेजोल्यूशन के साथ आते थे। पर आजकल के जो नए लैपटॉप्स हैं इनका जो HDMI पोर्ट के थ्रू आउटपुट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1080p का होता है, जिससे ऑब्वियसली वो पुराने मॉनिटर्स वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप में से कुछ यूज़र्स बोल सकते हो कि एडिट इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ, एक्सटेंडेड डिस्प्ले आइडेंटिफिकेशन डेटा। बेसिकली एडिट का यहाँ पे जो काम रहता है वो एक डिस्प्ले को आइडेंटिफाई करता है, सोर्स डिवाइस जो है जैसे कि इस केस में है लैपटॉप, तो लैपटॉप को ये पता चल जाता है कि जो मॉनिटर कनेक्टेड है वो कौन से मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, कलर स्पेस क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चल जाती है सोर्स डिवाइस को। पर जिस तरीके से इस मॉनिटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इस VGA मॉनिटर को इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बीच में एक कन्वर्टर डाल रहे हैं, तो ये कन्वर्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है इस एडिट इन्फॉर्मेशन के साथ। मतलब जो एडिट इन्फॉर्मेशन है जो आपका मॉनिटर प्रोवाइड कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली लैपटॉप की तरफ नहीं जाता है, जिससे लैपटॉप को पढ़ने में परेशानी होती है, उस डेटा को नहीं पढ़ पाता है, और क्या होता है फाइनली कि लैपटॉप बाय डिफ़ॉल्ट 1080p में आउटपुट भेज देता है, और ऑब्वियसली वो मॉनिटर उसको रीड नहीं कर पाएगा, उतना बड़ा रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको इनपुट सिग्नल आउट ऑफ रेंज या फिर इनपुट आउट ऑफ रेंज जैसे मैसेजेस देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको मैनुअली रेजोल्यूशन को एडजस्ट करनी है अपने मॉनिटर की नेटिव रेजोल्यूशन में। और नेटिव रेजोल्यूशन की पता आपको कैसे चलेगा, जनरली मॉनिटर ही आपको दिखाएगा। जब वो दिखाएगा कि इनपुट सिग्नल आउट ऑफ रेंज जब वो आपको ये दिखाएगा तब वो आपको बताएगा कि वो मॉनिटर कितने रेजोल्यूशन पे वो मैक्सिमम वर्क कर सकता है और उसका रिफ्रेश रेट कितना है, वो ये मॉनिटर वहाँ पे ही बता देगा। और अगर मॉनिटर नहीं बता रहा है तो कंप्यूटर ही आपको बता देगा रिकमेंडेड रेजोल्यूशन करके कि इस मॉनिटर के लिए रिकमेंडेड रेजोल्यूशन ये है, उसका नेटिव रेजोल्यूशन ये है। तो आपको इस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको सारे प्रोसेसेस दिखाऊंगा कि कैसे सब कुछ सेटअप करनी है। तो अगर रेजोल्यूशन के साथ कुछ लोचा है तो आप इजीली इसको फिक्स कर सकते हो, पर अगर यहाँ पे आपका मॉनिटर आपके लैपटॉप के द्वारा डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको या तो कन्वर्टर को चेंज करके देखना पड़ेगा या फिर आपको मॉनिटर को ही फेंकना पड़ेगा मे बी अगर मॉनिटर में कोई खराबी है। तो कन्वर्टर आप कोई गलत ना परचेस कर लो, इसके लिए मैं
जो पर्सनली कन्वर्टर मैंने परचेस किया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। एनीवे चलिए अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर लेवल पे आपको सब कुछ सेटअप करनी है। तो रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप में राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको एक ऐसा बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे आपके केस में ऐसे दो बॉक्स हो सकते हैं या फिर मेरे केस में जैसे कि आप देख सकते हो एक ही बॉक्स दिखा रहा है और यहाँ पे 1/2 शायद, पता नहीं यहाँ पे ये क्या उनके हिसाब से बताया जा रहा है, पर यहाँ पे 1/2 ही मैं इसको बोलूँगा वो लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करते हैं तो यहाँ पे भी 1/2 ही दिखा रहा है, तो ये आइडेंटिफाई क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी हमें जाना है नीचे। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्लेस की ऑप्शन दिखेगी, यहाँ पे डुप्लीकेट दिस डिस्प्लेस किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कर देना है एक्सटेंड दिस डिस्प्लेस। इसके बाद यहाँ पे कॉन्फर्मेशन के लिए मांगेगा, आपको यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब क्या करना है, अगर आपका मॉनिटर 1080p का होता है तो इस सिचुएशन पे आपका मॉनिटर चालू हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मैंने जो मॉनिटर लगाया है वो 1080p का नहीं है, तो वहाँ पे आ रही है इनपुट सिग्नल आउट ऑफ रेंज। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्ले रेजोल्यूशन में जाना है। उसमें जाने से पहले आपको पहले ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देखिए दो बॉक्सेस शो कर रही है, आप देख रहे हो। यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ तो जो लैपटॉप का डिस्प्ले है वो 1 शो कर रही है और जो मेरा मॉनिटर अभी आउट ऑफ रेंज पे शो कर रही है वो 2 है, वो 2 नंबर डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 नंबर को सिलेक्ट रखना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और डिस्प्ले रेजोल्यूशन की ड्रॉपडाउन मेनू से आपको रिकमेंडेड रेजोल्यूशन को चूज कर लेना है। यहाँ पे रिकमेंडेड रेजोल्यूशन क्या है, 1600x900, जो VGA मॉनिटर मैंने कनेक्ट किया है यही है उसका रेजोल्यूशन। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। इसके बाद वापस से वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगा जाएगा, आपको कीप चेंजेस पे क्लिक कर देना है और बस सब कुछ यहाँ पे सेटअप हो गया। तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका काम हो जाएगा, पर मेरे केस में आप जैसे कि देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मैंने मॉनिटर कनेक्ट किया था उसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं आया है। जी हाँ, इसको फिक्स करने के लिए आइए चलते हैं एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले 2 सिलेक्टेड है। डिस्प्ले 2 मतलब मैंने जो मॉनिटर अभी कनेक्ट किया है वो वाला, जिसका मॉडल नेम है कॉम्पैक्ट Q2009। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए डेस्कटॉप रेजोल्यूशन तो सही सही सेट हुआ है, पर एक्टिव सिग्नल रेजोल्यूशन वो प्रॉपरली सेट नहीं है, वो 1920x1080 सेट है, तो इसको हमें चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज फॉर डिस्प्ले 2, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद मुझे क्लिक करना है लिस्ट ऑल मोड्स पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो तो बहुत सारे रेजोल्यूशन है। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन सेट है जो पहले से सिलेक्टेड है वो है 1600x900, आपको इससे छोटा रेजोल्यूशन सेट करना है जैसे कि 1366x768, इसको सेट करके आपको ओके करना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है और यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक कर देना है, इसके बाद करना है ओके। तो इसके बाद आप देखोगे कि आपका जो डिस्प्ले आपने कनेक्ट किया है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हो एक्टिवेट हो चुका है, आप देख लीजिए। पर अभी इसका डेस्कटॉप रेजोल्यूशन कम हो चुकी है, हमें इसको सही करनी है। डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज में जाइए, उसके बाद लिस्ट ऑल मोड्स पे जाइए, इसके बाद वापस से 1600x900 पे सेट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, इसके बाद अप्लाई कीजिए, इसके बाद कीप चेंजेस पे क्लिक कीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो मॉनिटर है वो एक्टिवेट हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो मॉनिटर है वो एक्सटेंड हुआ है, मतलब कि मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, जैसे कि देख सकते हो आप, मतलब यहाँ पे लैपटॉप का डिस्प्ले और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ जो डिस्प्ले आपने कनेक्ट किया है वो चले तो मल्टीपल डिस्प्लेस की ऑप्शन से शो ओनली ऑन 2 में सेट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपका लैपटॉप का डिस्प्ले चले तो आप सेट कर दीजिए शो ओनली ऑन 1। अगर आप चाहते हो कि आपके लैपटॉप की डिस्प्ले की डुप्लीकेट बन जाए तो आप डुप्लीकेट दिस डिस्प्लेस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे आपका डिस्प्ले डिटेक्ट हो रही है, चाहे यहाँ पे 2 अलग अलग बॉक्सेस आ रही हो या फिर एक बॉक्स के अंदर 1/2 ऐसे करके कुछ लिखा गया हो, किसी भी तरीके से हो क्यों ना, अगर यहाँ पे शो कर रही है तो आप ये कन्फर्म हो जाओ कि आपका डिस्प्ले आपके लैपटॉप के द्वारा डिटेक्ट हो चुकी है।
यहाँ पे लोचा है तो रेजोल्यूशन की। तो आपने देखा कि कितना आसान है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक पुराना VGA मॉनिटर को आपके नए लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, एक सेकेंडरी मॉनिटर आपको मिल जाएगा और आपको काम करने में भी आसानी होगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो की पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, पूछ सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी जाके मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।